हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, दो दिन से मैं विजिट वीजा का ही अपडेट दे रही थी, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वर्क वीजा का क्या अपडेट है, क्या स्थिति में थोड़ी सुधार आई है। तो आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने से बोल लीजिए कि वर्क वीजा में काफी ज्यादा ठहराव जैसा आ गया था, यानी कि जितने जल्दी जल्दी वर्क वीजा इशू होते थे उतने जल्दी अब नहीं हो रहे हैं। तो अभी भी परिस्थिति वही है, वर्क वीजा में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सारी चीजें अभी डिपेंड कर रही है आपके कंट्री पे, या बोल लीजिए आपके नेशनलिटी पे, आपके टाइप ऑफ वर्क पे, आपकी कैटेगरी पे। सारी चीजें मैं क्लियर बता रही हूँ, सब कुछ ही डिपेंड कर रहा है कि आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, अफ्रीकन है, श्रीलंकन है, नेपाली है, क्या है। जी हाँ, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है आपको वर्क वीजा मिलने के लिए। पहला केस ये हो गया। सेकंड केस मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे विजिट वीजा के लिए विजिटर्स पे सख्ती लाई गई है, यानी या फिर यूएई के अंदर भी रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती लाई गई है, यानी कि इलीगल रहने वालों को निकाला जा रहा है या फिर उनको वीजा रिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है, वैसे ही कंपनीज के खिलाफ भी सख्ती लाई गई है। यानी कि जो कंपनीज अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही है टाइम पे, ब्लैक लिस्टेड है, वो हटाने के लिए फाइन्स नहीं दे रही है। हाल ही में अभी अपडेट आया था कि कंपनीज को अपनी जो है यहाँ पे एमिरेट्स में, या बोल सकते हैं अमीराती लोगों को पार्टनर बनाना होगा। कुछ ऐसे फॉर्म्स नॉर्म्स आए हैं यूएई लेबर लॉ के हिसाब से, वो जिसने अभी तक नहीं किया है उनको भी डेडलाइन मिल चुकी है। तो इन सब कैटेगरीज के अंदर जो कंपनीज आती हैं, अगर आप उस कंपनी में अप्लाई किए हुए हैं, वहां से आपको ऑफर लेटर मिला हुआ है, वहां पे भी उस कंपनी के लिए भी जो यूएई गवर्नमेंट है वीजा इशू नहीं कर रही है। तो गाइज, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपका वर्क वीजा नहीं लग रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एग्जिट करना पड़ रहा है फिर आना पड़ रहा है। देखिए, वैसा कोई भी सीन नहीं है। अगर हाईली स्किल्ड जो लोग हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, उन पूरे क्रिस्टल क्लियर हैं, यानी कि कोई फाइन्स नहीं है, लाइसेंस भी है उनके पास, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है, और जो यहाँ पे यूएई लेबर लॉ के हिसाब से आया है उसमें भी ये लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो फिर उनको कंपनी आराम से वर्क वीजा दे रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी तक का अपडेट यही है। मेन इसमें जो सफरर है, मैं आपको बता रही हूँ, ये मिडिल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्स वाले लोग बोल लीजिए या फिर होटल्स में बोल लीजिए, जो मिडिल या लो कैटेगरी वाले जो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर्स आप बोल सकते हैं, उनको ये दिक्कत बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। और साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों को भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो गाइज, आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। वर्क वीजा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अभी आपका वेट करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। कंपनी अप्लाई भी कर रही है तो भी वर्क वीजा इशू नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको वेट करने के सिवा कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है। और अगर आपकी कंपनी बिल्कुल सही है, सारी चीजें पेड है, तो फिर आपको इजिली वर्क वीजा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।